छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों को टोकन मिलना अब शुरू हो गया है। टोकन से धान खरीदी की अवधि एक ही दिन निर्धारित की गई है। जिस तारीख का टोकन किसानों को दिया गया है उसी तारीख में किसानों को अपनी धान बेचनी होगी। यदि निर्धारित तारीख में किसान धान नहीं बेच पाता है तो उसे दोबारा से टोकन दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। एक हफ्ता के अंदर मोर धान बिक जही, हमने बिकी तो टोकन दूसरा बना के दी। नॉर्मल टोकन दिए जा रहे हैं लेकिन साफ पेमेंट नहीं दिए गए हैं। लेकिन टोकन दिया गया तो एक हफ्ते की होने की बात कही थी। नहीं, वो शासन का आदेश है कि एक दिन के फिर रिन्यूअल करना पड़ता है उसको। सेकंड किसान अपने एक दिन का धान नहीं बेच पाता कैसे उसको सेकंड बार टोकन नहीं दिया जाता उसको। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद में किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन मिलने की शुरुआत हो चुकी है। आज हम राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद में मौजूद हैं, जहां पर आप किसानों की भीड़ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर किसान मौजूद है। और पहला दिन है इसलिए भी ये भीड़ देखी जा रही है। लेकिन अगर किसानों को सुरक्षा की बात करें तो काफी कम किसानों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है। वही यहाँ पर जो व्यवस्था है वो ये है कि यहाँ पर टोकन की अवधि केवल एक दिन के लिए है, अर्थात किसान एक दिन में ही इन्हें अपनी धान की बिक्री करनी होगी। और इसके साथ अगर किसान एक दिन में अपनी धान नहीं बेच पाता है तो उसे अगले दिन दोबारा टोकन दिया जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है और किसान लगातार लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।